हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी एजुकेशन। अभी हम द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। द हिंदू में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं उन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में है। फर्स्ट आर्टिकल जमाल खाशिगी से रिलेटेड है। पहले तो सऊदी अरेबिया इस बात से अस्वीकार कर रहा था कि जमाल खाशिगी के मौत के पीछे उनका हाथ है, बट उसने अभी ये स्वीकार कर लिया है कि जमाल खाशिगी की मौत में उनका हाथ है। लेकिन सऊदी अरेबिया का आर्गुमेंट यह है कि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो आर्टिकल ये कहता है कि उनका यह आर्गुमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े काम को बिना प्रिंस की अनुमति के कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो 15 से 20 जनरल टर्की के एम्बेसी में भेजे गए थे, टर्की के एम्बेसी में 15 से 20 जनरल का जाना और वहाँ पे जाके जमाल खाशिगी को मार देना, ये बिना प्रिंस की अनुमति के हो ही नहीं सकता। तो आर्टिकल यही आर्गुमेंट देता है। तो इस आर्टिकल में बस यही बातें जानना था, बाकी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड आर्टिकल जो है वो पेमेंट बैंक रेगुलेशन से रिलेटेड है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल है वो मी टू मूवमेंट के बारे में, तो इससे रिलेटेड हम डिफेमेशन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फोर्थ आर्टिकल जो दिया हुआ है वो प्रिजन रिफॉर्म के बारे में, इसी भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट पेज का जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो उन्होंने वोट के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम दूसरे कंट्री से या फिर IMF से लोन नहीं लेंगे, बट अभी सिचुएशन ऐसा बन गया है कि उन्हें IMF से लोन लेना पड़ रहा है। उन्होंने अपने दोस्त कंट्री से मदद मांगी, जैसे सऊदी अरेबिया, चाइना, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें अब मजबूरी में IMF से लोन लेना पड़ रहा है। तो इस बारे में है ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो एक हेल्थ स्कीम के बारे में बताया गया है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो नीचे का आर्टिकल है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आइए हम आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं आगे के आर्टिकल को। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट आर्टिकल है पेमेंट बैंक रेगुलेशन के बारे में। देखिए, इसे हम किससे रिलेट करते हैं, GS पेपर 3rd से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि पेमेंट बैंक क्या होता है। पेमेंट बैंक जो है उसे रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था, इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया था, ताकि हर लोग की पहुंच बैंकिंग सिस्टम तक हो सके, इसलिए पेमेंट बैंक को बनाया गया था रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। अब डिजिटल पेमेंट मोड कितने टाइप के होते हैं। डिजिटल पेमेंट मोड में हम एक तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं और दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, बैंकिंग एप्लीकेशन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, पेमेंट बैंक, भीम, गूगल पे, ये सारे चीज़ नॉन बैंकिंग में आते हैं। तो पेमेंट बैंक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है। अब ये दोनों ही बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी, दोनों को ही RBI रेगुलेट करता है। बट अभी जो आर्टिकल में आया है वो क्या है कि जो RBI जो रेगुलेट करता है पेमेंट बैंक को, वो रेगुलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके थ्रू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू RBI पेमेंट बैंक को रेगुलेट करता है। बट यहाँ अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया है। इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल क्यों बनाया गया है कि जो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, उसमें सुधार किया जाए। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया है। अब इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, उसने कहा है कि जो पेमेंट बैंक है उनके लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बॉडी होनी चाहिए। मतलब अलग से एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाना चाहिए। अभी जब RBI उसे रेगुलेट कर रहा है, तो RBI रेगुलेट ना करे, बल्कि उसके लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए। ये रिकमेंडेशन था इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल का। दूसरा उसने क्या रिकमेंडेशन दिया कि जो उसका चेयरपर्सन होना चाहिए उसे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये उसका सेकेंड रिकमेंडेशन था। थर्ड रिकमेंडेशन क्या था कि
पेमेंट बैंक को एग्जीक्यूटिव पावर मिलना चाहिए और उसके द्वारा स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाने चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर मिलना चाहिए, उसके द्वारा स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाने चाहिए, ये उनका थर्ड रिकमेंडेशन था। तो उन्होंने टोटल थ्री रिकमेंडेशन दिया कि अलग से रेगुलेटरी बॉडी हो और चेयरपर्सन को गवर्नमेंट अपॉइंट करे और उनको एग्जीक्यूटिव पावर दी जाए। ये था इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल का रिकमेंडेशन था। अब देखिए जो बैंकिंग सिस्टम है, अभी जो सरकार ने सोचा है कि RBI क्यों नहीं रेगुलेट करेगा पेमेंट बैंक को, तो उसने ऐसा क्यों सोचा है, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है उनके वो लोगों को रेगुलेट करता है RBI। अब उनमें इनोवेशन नहीं होता है, वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, वो कोई इनोवेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट थिंग इनका आर्ग्यूमेंट क्या है सरकार का, कि जो दूसरे कंट्री है वहाँ पे भी जो पेमेंट बैंक है उनको फेडरेशन बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो ये सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि वो क्यों RBI को रेगुलेट करने से मना कर रही है, कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें इनोवेशन भी नहीं है और दूसरा जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें फेडरेशन बैंक के द्वारा पेमेंट बैंक को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन RBI क्या आर्ग्यूमेंट देता है, RBI आर्ग्यूमेंट ये देता है कि पहली बात तो उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाया जाना चाहिए, हम स्टार्टिंग से हम ही इसे रेगुलेट कर रहे हैं पेमेंट बैंक को, तो आगे भी हम रेगुलेट करेंगे। बट यदि पेमेंट बैंक के लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाता है तो उसके जो हेड होंगे वो RBI गवर्नर होंगे, ऐसा RBI का आर्ग्यूमेंट है। फिर वो क्या आर्ग्यूमेंट देता है कि अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाए जाने पे पावर का ओवरलैपिंग होगा, जो RBI का पावर है और जो रेगुलेटरी बॉडी का पावर है उन दोनों के पावर में ओवरलैपिंग होगा पेमेंट इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। फिर उनका तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या था कि अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाए जाने पे जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा मतलब जैसे अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे फिर वहाँ पे एम्प्लॉय रखेंगे तो इन सारी चीज़ों में जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो न्यू रेगुलेटरी बॉडी बनेगा वहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं होंगे, RBI में जो एक्सपर्टीज़ है वैसे एक्सपर्टीज़ वहाँ पे नहीं होंगे। तो ये RBI का आर्ग्यूमेंट था। अब देखिए कंक्लूज़न क्या होना चाहिए इन सारी बातों का, दोनों में टकराव है सरकार में और RBI, दोनों में टकराव उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे अच्छा कंक्लूज़न ये होना चाहिए कि सरकार और RBI दोनों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए, ये टकराव को छोड़कर उन दोनों को मिलकर इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी को कोई नुकसान ना हो बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़े। तो ये सारा आर्टिकल था, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है डिफेमेशन के बारे में, डिफेमेशन मतलब क्या, मानहानि। तो हम देखते हैं मानहानि से रिलेटेड अभी आर्टिकल जो न्यूज़ में आया हुआ है उसमें मी टू कैंपेन के बारे में दिया हुआ है, मी टू मूवमेंट के बारे में, तो उसी से रिलेटेड डिफेमेशन के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। चलिए इसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं, पेपर टू से। डिफेमेशन IPC के सेक्शन 499 एंड 500 में दिया हुआ है। सबसे पहले हम डिफेमेशन के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। 2015 में क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली के ऊपर एक डिफेमेशन का केस फाइल किया था, कि उन्होंने कहा था कि जो अरुण जेटली जब DDCA में थे तो उस समय करप्शन हुआ था, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली के खिलाफ कहा था। अब देखिए जो डिफेमेशन होता है वो टू टाइप्स का हो सकता है, डिफेमेशन सिविल डिफेमेशन केस होता है और दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन केस होता है। देखिए दोनों में क्या 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 हम देख सकते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो सिविल डिफेमेशन केस है वो मैलाफाइड इंटेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैलाफाइड इंटेंशन मतलब जब हम केस दायर करते हैं डिफेमेशन का, तो सिविल डिफेमेशन में जो जिसके खिलाफ केस दायर किया गया है वो दोषी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो क्रिमिनल डिफेमेशन केस है उसमें मैलाफाइड इंटेंशन होना ज़रूरी होता है, और सिविल डिफेमेशन केस में कोई भी कोर्ट का चार्ज नहीं लगता, सॉरी सिविल डिफेमेशन केस में कोर्ट का चार्ज लगता है बट क्रिमिनल डिफेमेशन केस में कोर्ट का चार्ज नहीं लगता। अब देखिए सिविल डिफेमेशन केस में कंपनसेशन बस लगता है लेकिन
कंपनसेशन कब लगता है? जब किसी ने किसी के खिलाफ केस फायर किया और अगर वो केस गलत निकला, अगर वो जो उसने उसके खिलाफ जो बोला है वो गलत निकलता है, तो जिसने बोला है उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन जब केस क्रिमिनल डिफेमेशन केस में यदि गलत होता है बात, तो जिसने केस दायर किया था उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और उसे पनिशमेंट भी होता है 2 ईयर्स का। तो ये दोनों में डिफरेंस है, डिफेमेशन सिविल डिफेमेशन केस एंड क्रिमिनल डिफेमेशन केस में। तो अब देखिए कि डिफेमेशन में क्या होता है कि जो डिफेमेशन है वो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है। मतलब इसके कारण जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है वो दब जाता है डिफेमेशन के कारण। अब राइट टू रेपुटेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों के बीच बैलेंस होगा तभी बात बनेगा। अब देखो आर्टिकल में क्या आर्गुमेंट दिया गया है। आर्टिकल में बोला गया है कि ये जो डिफेमेशन का लॉ है वो कॉलोनियल एरा का लॉ है, मतलब ये लॉ जो है वो ब्रिटिश टाइम का है, तो इसे अब चेंज किए जाने की ज़रूरत है। दूसरा क्या बोलता है कि नो क्रिमिनल डिफेमेशन इन नेबरिंग कंट्रीज़। आर्टिकल कहता है कि जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्रिमिनल डिफेमेशन जैसी कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सिविल डिफेमेशन है, क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं है। तो फिर इंडिया में भी इस चीज़ को बंद किया जाना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं आर्टिकल में जो गिवन था मी टू मूवमेंट के बारे में। मी टू मूवमेंट मतलब क्या है, जो जो महिलाएं थी, जो वुमेन थे जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो भी अब खुल के सामने आ रही हैं और अपने साथ हुए इस बर्ताव के बारे में, इस बुरे बिहेवियर के बारे में बता रही हैं। मतलब अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में वो बता रही हैं। लेकिन इस डिफेमेशन के कारण क्या हो सकता है, जब भी वो बताएंगी अपने साथ बुरा जो बिहेव उनके साथ हुआ है उनको बताएंगी, तो डिफेमेशन के कारण जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस लगा सकता है। तो इसलिए आर्टिकल ये कहता है कि अब इस जो आईपीसी का जो सेक्शन है इसे चेंज किए जाने की ज़रूरत है, ताकि कोई कोई व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ बोलता है तो उसके फ्रीडम को सप्रेस ना किया जा सके। तो ये सारा आर्टिकल था जिसे हमने डिस्कस किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो प्रिजन रिफॉर्म के बारे में है, इसे हम जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रिजन, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया है अमिताभ राव के अध्यक्षता में, जो प्रिजन रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार ये कमेटी नहीं बनाया, ऐसा कोई कमेटी 1980s के समय भी दो कमेटी और बने थे, एक जस्टिस एएन मुल्ला कमेटी और दूसरा जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी। जो कृष्णा अय्यर कमेटी था वो वुमेन प्रिजन में वुमेन के बारे में रिकमेंडेशन के लिए बना था। अब ये दोनों कमेटी पहले भी बनाए गए थे और अभी जो बनाया गया है वो अमिताव राय कमेटी बनाया गया है। ठीक है, अमिताव राय की अध्यक्षता में जिसे रिकमेंडेशन देना है प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। अब देखिए एक आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, एक डेटा गिवन है। क्या गिवन है कि हर 4.2 लाख इनमेट्स के लिए 1401 फैसिलिटीज़ होता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो इनमेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और फैसिलिटी उनके कंपेयर में बहुत कम है। और डेटा गिवन है कि 114% जो है वो एक जेल में इतना डेंसिटी होता है, 114% रेट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें से भी जो 67% है वो अंडर ट्रायल है, मतलब अंडर ट्रायल का परसेंट जो है वो 67% है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है इंडिया के जेलों की। अब आगे देखते हैं इस आर्टिकल में आगे क्या गिवन था। आगे गिवन है, देखिए आर्टिकल क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल पनिशमेंट है क्या चीज। मतलब आर्टिकल बोल रहा है कि क्रिमिनल पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव होता है क्या, उन जो क्रिमिनल हैं उनमें सुधार करना या फिर उनसे बदला लेना। तो पहले ये सोचना है कि क्रिमिनल पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है।
क्रिमिनल में सुधार करना या क्रिमिनल से बदला लेना। अगर क्रिमिनल में सुधार करना ऑब्जेक्टिव है तो फिर जो राजीव गांधी केस के जो कन्विक्ट थे जिनको जेल में बंद किया गया अभी 1991 से, उनको अभी 27 साल हो गए हैं, क्या उनमें अभी तक सुधार नहीं हुआ होगा? अगर उनमें सुधार हो गया तो फिर उनको छोड़ा क्यों नहीं जाता, आर्टिकल ये बात बोलता है। फिर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कंडीशन ऑफ प्रिजन, प्रिजन में कंडीशन कैसा होता है, प्रिजन का मतलब वहाँ पे बहुत ही बुरा कंडीशन होता है, इतने सारे लोगों को एक साथ छोटे से जेल में भर दिया जाता है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होता है वहाँ पे। तो अगर देखिए वहाँ पे अगर वर्स्ट कंडीशन को हटा दिया जाए और अच्छा कंडीशन लाया जाए, मतलब आरामदायक जेल हो और बहुत सारे फैसिलिटी हो, तो फिर तो अपराध कम होगा ही नहीं। लोग सोचेंगे अपराध करने के बाद जेल में जाना है, जेल में तो सुविधा मिलता है, तो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो कम नहीं होगी, तो आर्टिकल ऐसा बोलता है। अब देखिए आर्टिकल में ये बोला जाता है कि जो आधे लोग हैं, जो कुछ लोगों को क्या करना चाहिए, कम्युनिटी सर्विस में भेज देना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस मतलब जैसे जेल में भी रहते हैं तो कुछ काम करते हैं, तो उनके बदले उन्हें कुछ सेवा के लिए भेज देना चाहिए। जैसे बहुत सारे जगहों पे हो गया, जैसे ऑर्फेनेज हो गया या ओल्ड एज होम हो गया, तो ऐसे जगह पे उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज देना चाहिए। पर फिर से आर्टिकल ये आर्ग्यूमेंट देता है कि अगर वो उनको कम्युनिटी सर्विस में जाना है तो फिर से अपराध की प्रवृत्ति कम नहीं होगी, मतलब अपराध करने की दर कम नहीं होगी। लोग सोचेंगे कि अपराध करने के बाद कम्युनिटी सर्विस ही तो करना है, तो इससे वो अपराध करने से डरेंगे नहीं। फिर क्या बोलता है आर्टिकल में, ये बात बोला जाता है कि जो नॉन वायलेंस ऑफेंडर हैं उनको प्रिजन में रखने के बजाय उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। लेकिन इससे भी क्या होगा, इसमें उल्टा आर्ग्यूमेंट क्या है कि अगर उनकी संपत्ति जब्त कर लेते तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफेंडर रहते हैं वो क्या किए रहते हैं, अपनी कुछ संपत्ति किसी दूसरे के नाम पे कर दिए रहते हैं। तो अगर उनकी संपत्ति जब्त कर लिए जाते हैं तो जो उन्होंने पहले से दूसरे के नाम पे किया हुआ है उनको वो यूज़ कर लेते हैं, तो उनको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, तो उनको भी फिर बार बार अपराध करने के लिए उनका मन करता है, मतलब उनके उनके अंदर भी अपराध के प्रति डर नहीं रहता। तो ये सारा आर्ग्यूमेंट था, तो ये हमने जाना, हमने देखा अभी रिफॉर्म्स के बारे में। तो रिफॉर्म्स के बारे में ये सारा चीज़ था आर्टिकल में जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है हेल्थ स्कीम से, इसे हम जीएस पेपर थर्ड से रिलेट कर सकते हैं। देखिए अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा हेल्थ स्कीम लॉन्च किया है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें है क्या चीज़। इसमें एक फैमिली को एक ईयर में 5 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा, और इसमें टारगेट जो किया गया है वो 10 करोड़ फैमिली को टारगेट किया गया है या 50 करोड़ सिटीज़न या इंडिविजुअल को टारगेट। या तो 10 करोड़ फैमिली को फ़ायदा मिलेगा या 50 करोड़ इंडिविजुअल को फ़ायदा मिलेगा। तो ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है। अब देखिए ये जो योजना है उसका एम्बिशियस गोल्स है, मतलब जो इसका उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है, देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। इनएडिक्वेट फंडिंग, मतलब फंडिंग बहुत कम है या लेट से होता है। फिर वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक है, मतलब सभी जगह अच्छे से अवसंरचना का निर्माण नहीं हो पाया है। और जिसमें टाइम रिक्वायर्ड है, मतलब कितने टाइम तक किसको कितना फैसिलिटी मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम हो सकते हैं, तीनों प्रॉब्लम, फंडिंग लेट से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आर्टिकल यही कहता है कि इसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा है लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए इस क्या हुआ था, एक इसमें एक डेटा गिवन है आर्टिकल में कि जो 36 मिलियन फैमिली है या फिर 40% ऑफ हाउसहोल्ड हैं, उनका सारा पैसा जो है उनके मेडिकल बिल में ही चला जाता है। उनके एक पर्सन की जो कमाई होती है, उनके घर के एक व्यक्ति की जो कमाई होती है, उनका सारा पैसा मेडिकल बिल में चला जाता है। तो ये इंडिया का कंडीशन है अभी। अब देखिए टोटल यहाँ दो है, हम दो हेल्थ स्कीम के बारे में देखते हैं। एक तो है अभी जो रिसेंटली में लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और जो पहले का स्कीम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखिए जो
दोनों स्कीम है वो सेम है, मतलब फैसिलिटी दोनों में लगभग सेम है, बट जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब देखिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था उसमें क्या क्या खामियां थी, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ मिस कर दिया गया था। देखिए जो इसमें स्मार्ट कार्ड मिला था उसको यूज़ करने के लिए लोग नहीं जानते थे, लोगों को यही नहीं पता था कि उस स्मार्ट कार्ड को यूज़ कैसे करना है। दूसरा, जब भी लोग हॉस्पिटल में स्मार्ट कार्ड को लेके जाते थे तो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखा जाता, उनको बैठा दिया जाता था कि ये आया है बंदा फ्री में इलाज कराने आया है तो इसे अलग बैठा दो, बाद में इनका इलाज करेंगे। दूसरा क्या था कि कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी पड़ोसी इसके यूज़ के बारे में एक दूसरे के साथ कभी भी डिस्कशन नहीं करते थे, मतलब लोगों में जागरूकता ही नहीं था इस बारे में। तीसरा क्या था, जो लोकल लीडर्स थे उनका भी समर्थन नहीं था, लोकल लीडर्स भी अपने में मस्त रहते थे, उनका भी समर्थन प्राप्त नहीं था। तो ये सारी खामियाँ थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। अब देखिए सबसे पहले स्कीम, कोई भी स्कीम लॉन्च किया जाए इससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि जो सिटीजन है वो कैसे अपने हेल्थ के अधिकार के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कैसे जो सिटीजन है वो इस स्कीम का यूज़ करेगी। दूसरी बात, हमको ये देखना पड़ेगा कि इसे कैसे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस में लाया जाए, मतलब किसी भी स्कीम को लॉन्च करने से पहले हमको देखना चाहिए कि सिटीज़न इसका कितना फ़ायदा उठा रही है और इसको कैसे बेटर तरीके से हमको बेटर तरीके से इसे यूज़ में लाया जा सकता है। इन दोनों चीज़ों को पहले देखना आवश्यक है। अब देखिए जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हाउ इट्स वैल्यू इज़ परसीव्ड बाय द कम्युनिटी, मतलब लोगों के द्वारा इसकी वैल्यू को कितना समझा जाता है और लोगों के द्वारा इसका कितना यूज़ किया जाता है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो ये सारा आर्टिकल था हेल्थ स्कीम के बारे में जो हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिया। तो आज ये चार आर्टिकल ही इम्पोर्टेंट थे जिसे हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच।